सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक नया मोड़ सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है जिससे सुशांत की मौत में ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। एक रिपोर्ट में सुशांत की मौत का नारकोटिक्स लिंक होने की बात निकल कर आ रही है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट्स के कुछ अंश अब सामने आए हैं। इन चैट्स में रिया चक्रवर्ती ने कई लोगों से बात की है। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने पहले डिलीट कर दिया था। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। बता दें कि गौरव वही शख्स है जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। दूसरी चैट में भी रिया ने गौरव से बात की है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? जहां एमडी का मतलब ड्रग एमडी एमएस है, जिसे काफी स्ट्रांग माना जाता है। तीसरी चैट रिया और जया शाह के बीच की है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती है, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। चौथी चैट में रिया कहती है, बहुत धन्यवाद। इसके जवाब में जया कहती है, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार साबित होगा। पांचवी चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती है, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। दोनों के बीच 25 नवंबर 2019 को बात हुई थी। इसके बाद मिरांडा और रिया के बीच फिर बात हुई। चैट में मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की है। अप्रैल में ही एक बार फिर एक और चैट में मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम ये शॉपिंग के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड़ है। इन्हें लोअर लेवल का ड्रग माना जा रहा है।